जो हमारी भिंड पुलिस को अभी एक बड़ी सफलता मिली है, आप सभी को बताना चाहूँगा कि 19 तारीख को हमारे कूफ थाने अंतर्गत के जो चेकिंग पॉइंट है, चुनाका है, अभी चुनाव आचार संहिता लगने के बाद वहाँ पे सतत निगरानी चल रही है और वहाँ पे चेकिंग हो रही है। तो उसी के तारतम्य में वहाँ पे एक सूचना मिली कि एक व्यक्ति संदिग्ध हालत में एक बैग लेके आ रहा है। तो जैसे ही उसने पुलिस को देखा तो हड़बड़ा के गिर गया और पुलिस वालों ने उसको दबोच लिया। तो जैसे ही उसको पकड़ा तो उसका फिर बैग चेक किया तो उसमें करीब चार प्लास्टिक की पन्नी में फूल मिला है सफ़ेद सामग्री। इनिशियल प्रिलिमिनरी उस पर हमको ऐसा ये स्मैक जैसा पदार्थ का होना पता किया। इस व्यक्ति से जब पूछताछ की गई तो इसने बताया कि इसको बताया गया था कि यहाँ पे इसमें से जो एक पैकेट है वो यहाँ पे हमारे भिंड जिले में कोई आना किसी व्यक्ति को आना था उसको सप्लाई करता है। जैसा मैं बताना चाहूँगा कि उसको फिर जब पुलिस ने इसको पूरा इसमें विवेचना में इसको तोला तो करीब करीब इसका पन्नी समेत 818 ग्राम वजन इसका है, जो स्मैक है। इसमें जो पूरी हमारी यहाँ पे जो हमारी साइबर सेल की टीम है, UTI प्रूफ है, TI नया गाँव, प्रभारी नया गाँव और उसके साथ साथ साइबर की पूरी टीम और अन्य आरक्षकों का बड़ा अच्छा योगदान रहा। तो अभी बाकी विवेचना जारी है और तथ्य हमारी जो विवेचना हुई कल की कार्रवाई है, बाकी तथ्य हमें जो विवेचना होगी उसमें हम स्पष्ट करते हैं। ये लोग कहाँ से आके लेके आ रहे थे सर? ये लोग ये बेसिकली अभी जो इनिशियल पूछताछ में इसने बताया कि ये बदायूं का निवासी है और UP में इसके खिलाफ NDPS की धाराओं में अलग अलग कई जगह अपराधी पंजीकृत है। अभी जैसे इसमें क्या होता है कि एक आया होगा और यहाँ पे इसको जब ये पहुँचता है इसको एक जगह बताई गई थी पहुँचने के लिए, तो जब वहाँ पे पहुँचता है तो इसे कोई संपर्क करता है क्योंकि आजकल वो लोग भी अलर्ट हो गए हैं क्योंकि पुलिस के फोन डिटेल्स और ये चेक करती है। तो इसको अभी जो प्रथम दृष्टि से पूछताछ करी है तो इसने बताया था कि मुझे वहाँ पे जो कूफ नाका है उससे आगे जाके खड़ा हो जाऊँगा, तो अपना भी इससे कोई संपर्क करता। बाकी हम इससे भी पूछताछ करेंगे। और सर कितने आरोपी पकड़े गए? नहीं अभी इसका जो है इसका पहले हम पूरा जो एनालिसिस कर रहे हैं, फिलहाल इसका अभी तक भिंड जिले में कोई इसकी ऐसी चीज़ नहीं है सप्लाई करने की, भिंड में इसका पहला केस है। ये सर पैदल आ रहा था उस तरफ से गाड़ी खड़ी करके कहीं क्या इसकी मूवमेंट था? इसका ये पूरा भी विवेचना में ये तथ्य क्लियर होगा कि ये जो है ये क्या करते हैं लोग, जैसे कुछ रास्ता कहीं तक कोई इसे बाइक में छोड़ के आया होगा, फिर आगे कुछ डिस्टेंस ही बस में चला होगा, फिर इस एरिया में क्रॉस करके पैदल आके शायद जो इसने सोचा होगा कि मोटरसाइकिल पे जाऊंगा जहाँ पे चेकिंग हो रही है तो ज़्यादा संभावना रहती है मोटरसाइकिल वगैरह पे चेकिंग की, तो पैदल उस चेकिंग पॉइंट को क्लियर करना चाह रहे हैं। ये रात के आ रहा था दिन में? ये कल दिन की घटना। कितने आरोप सर भिंड में इनके कोई तार है? ये अभी सभी मैं बता रहा हूँ विवेचना के तथ्य हैं, पूरा हम इससे पूछताछ करेंगे, PR लेंगे और उसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे उसको निकालेंगे। इतनी बड़ी कार्रवाई जी बिल्कुल प्रस्तुत करेंगे पूरी टीम को। करीब करीब इसका जो इंटरनेशनल मार्केट में जो रेट है वो करीब करीब 80 लाख के आसपास जिसमें आगे रुपये प्रति ग्राम के हिसाब से इसका रेट चलता है।